खारे पानी जैसा प्यार। कशान आ गई हूँ। कशान मनार। हाँ मैं सब कुछ छोड़ के आई हूँ तुम्हारे पास। क्यों आई हूँ? मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मोहब्बत? झूठ, बिल्कुल झूठ। नहीं झूठ तो मैं पहले बोलती रही हूँ जानबूझकर, लेकिन मेरा यकीन करो, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। नहीं मना, मुझे आखिरी मुलाकात में तुम्हारा आखिरी जुमला याद है। तुमने कहा था तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, दरअसल तुम शारफ से मोहब्बत करती हो, है ना? ऐसा कुछ था? तो ये हो ही नहीं सकता कि तुम लोगों को कुछ पता ना हो। सवाले आपा, मनार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पूरे खानदान में नाक कटवा के रख दी तुम्हारी बेटी ने, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरा और आपका खानदान अलग तो नहीं है? इज्जतें अलग अलग होती हैं, इज्तिमाई नहीं। अपने सर्कल में तो हम लोगों के सवालों का जवाब देंगे ना। सवाले आपा, मैं मानती हूँ मनार ने जो फैसला किया वो गलत है, फैसले करने का ये वक्त नहीं था। कुछ भी हो अफरोज, इतना कुछ हो जाने के बाद अब दोबारा मैं तुम्हारी दहलीज पे पांव नहीं रखूंगी। ठहरिए मामा, ये कोई इतनी मामूली बात है कि इतनी आसानी से मामला रफा दफा हो जाए? क्या मतलब है तुम्हारा, क्या करोगे तुम? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, वैसे भी ये हमारे खानदान का मामला और हमें मिल बैठ कर इसको सॉल्व करना होगा। शारिब तुम ही कुछ करो ना। क्या कह रही हो अफरोज तुम? तुम्हारी बेटी माइयों के पंडाल से उठकर गई, सीधे लफ्जों में कहूं तो भाग गई। आंटी, आप बाहर जाके मेहमानों से कहने कि शादी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दी। व्हाट? दिमाग तो सही है तुम्हारा? इतनी बेइज्जती हो जाने के बाद मेरे जीते जी अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मामा, मनार की शादी मेरे अलावा किसी से नहीं हो सकती और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं शारिब का हाथ छुड़ा कर आई हूँ तुम्हारे पास। देखो मनार, अभी भी वक्त है, तुम वापस चली जाओ। मैं वापस आने के लिए तो नहीं आई यहाँ। लेकिन मैं उस लड़की के लिए वापस नहीं आ सकता जो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। कि मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ, कैसे यकीन दिलाऊंगा तुम्हें? तुम एक बार मुझसे पूछ तो लेती, मैं तुम्हें हरगिज ये ना करने देता। मनार, मैंने तुम्हारे ख्वाबों के सहारे जीना शुरू कर दिया है, प्लीज मुझे जीने दो। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। आई लव यू सो मच कशान, नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। तुम्हें पता है मैं रात को ही तुमसे बात करने वाली थी, लेकिन आंटी के डर की वजह से हिम्मत नहीं हुई मेरी बात करने की। तुम क्यों डर रही हो? डरना तो मुझे चाहिए। लेकिन तुम वापस क्यों आ गई? वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी दूसरी मोहब्बत हूँ। पहली मोहब्बत होता तो मैं शारिब से शादी से इनकार कर देती। अरे भाई, इनकार किया है तभी तो उसके पास गई थी ना। उसे यकीन नहीं है, लेकिन अब मैं उसे यकीन दिलाऊंगी कि मैं भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी वो करता है। बिल्कुल बारिश की उस बूंद की तरह जिसने जमीन को ना छुआ। लेकिन शारिब तो अब भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। हाँ वो तो चाहेगा, वो तो चाहेगा कि बस शादी हो जाए। करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस हूं मैं, और कशान से मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन खुद काशान के पास भी तो कुछ नहीं है ना। दीवानों जैसी मोहब्बत करता है वो मुझसे, अब ऐसी मोहब्बत के बाद मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। मनार, वो मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। अरे हाँ, तुमने तो शादी तक मेरे साथ रुकना था, अब तो शादी नहीं हो रही, तुम्हें भी जाना चाहिए।
हाँ लेकिन लेकिन यार जिस दिन फिर होगी या जो भी दिन तय होगा मैं फिर आ जाऊंगी तुम्हारे पास। अंजला तुम देखना जो भी तारीख सोची है ना इन्होंने मेरी शादी की उससे पहले मेरा काशान आके मुझे ले जाएगा। देखो मनार काशान एक शरीफ मगर गरीब लड़का है वो शारिब और आंटी से दुश्मनी करके बहुत मुश्किल में आ जाएगा। ये मुश्किल सिर्फ उस पे नहीं आएगी मुझ पे भी आएगी। तुम इतनी बहादुर तो नहीं थी पहले प्यार भी तो नहीं करती थी। खा ले आराम से। ये लो भाई बड़ी मुश्किल से परसों की बुकिंग करा के आ रहा हूँ। ऐसा लगता है सारा शहर ही ट्रेन से सफर करने पे निकल पड़ा। तौबा भाई तौबा। ये बताओ सामान वामान बांध लिया जाने का या वो भी नहीं बांधा अभी? जब सारी पैकिंग हो गई है। अबे बात सुन अरसल वो जो तेरे कॉलेज का कागज था जो चाहिए होता है इधर से उधर जाने के लिए वो रखा है संभाल के? माइग्रेशन सर्टिफिकेट हाँ वो भी रख लिया। जवाद और शांति को फोन करके बता दिया। शांति बाजी ने तो कहा था कि वो घर पर आएंगे और हमें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। तुझे क्या हो गया तो किन सोचों में बैठी है? देख ले जो भी काम तेरे बाकी हैं इधर उधर के वो परसों तक कर लीजो सारे। रोशन मैं सोच रही थी कि मैं यहीं रुक जाती हूँ। देख ले भाई चार दिन में वो मालिक मकान आ जाएगा कब्जा लेने के लिए घर का। लेकिन तू रहेगी क्यों इधर? काशान को मेरी जरूरत है। ठीक तू रुक जा भी है कुछ दिन बाद आ जाएगी। अरसल बेटा मेरा थोड़ा बहुत सामान तू ले जा बाकी का मैं खुद ले आऊंगी। ठीक है मैं पैक कर देती हूँ। हेलो हाउ आर यू? आई एम फाइन दैट्स गुड। क्या हो रहा है बेटी? बेटा आई हैव गॉट सम वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज फॉर यू। वो क्या पापा? तुम जानती हो कि तुम्हारी मामा और तुम्हारी खाला ने तुम्हारे बारे में पूरे खानदान में क्या कहा है? आप क्या कह दिया उन्होंने? उन्होंने ये कहा है कि एक मामूली से मैकेनिक ने तुम पे जादू करवा दिया था अब तुम्हारा रूहानी इलाज हो रहा है और जैसे ही इलाज मुकम्मल हो जाएगा तुम शारिब से शादी कर लोगे। क्या ये कहा है मामा ने? और शारिब उसने ये बात मान ली? वो कैसे नहीं मानता ये प्लान उसी का तो दिया हुआ है। देख लिया पापा आपने किस किस्म का लालची इंसान है ये शारिब। पहले तुम्हारी खाला शादी के लिए रजामंद नहीं थी लेकिन जब उन्होंने जादू टोने का सुना तो वो भी खामोश हो गई। पापा मुझे शारिब से शादी नहीं करनी मैं सिर्फ काशान से शादी करना चाहती हूँ। बेटा मैं तुम्हारे जज्बात और एहसासात को समझता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हर इंसान अपनी मर्जी की जिंदगी जिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन बेटा इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कि पापा आपको अपनी पोजीशन का भी ख्याल है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप मेरे हम ख्याल तो हैं। ठीक है मैं अपनी मोहब्बत की जंग अकेले ही लड़ लूंगी लेकिन पापा मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गुजारूं क्योंकि जिंदगी तो एक बार ही मिलती है। सब ठीक हो जाएगा डोंट वरी। इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। बाबा बाकी सब कैसे हैं? हाँ बेटा सब ठीक है यहाँ। अच्छा सुन, वो अनिला ने तुझे बताया था कि हम सखर जा रहे हैं? जी बताया था। जवाद बेटा मेरी शानजे का ख्याल रखना बेटा, बहुत प्यारी बेटी है मेरी। अरे शानजे की आप फिक्र ही ना करें, मैं बहुत ख्याल रखूंगा। ठीक है बेटा, तू एक काम कर, परसों आ जाइयो, चाहे यहाँ आ जाना चाहे रेलवे स्टेशन पे आ जाना, हैं? मिल लेना बस, पता नहीं फिर कभी मिलना हो ना हो। जी जी अंकल, मैं और शानजे आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। बाबा का फोन था, आपने मेरी बात क्यों नहीं करवाई उनसे? वो ये कह रहे थे कि हम सखर जा रहे हैं, तो मैंने कहा बाबा जान मुझे पता है, तो उन्होंने कहा शानजे का ख्याल रखना। जी बाबा मुझसे बहुत प्यार जो करते हैं। अरे वो तुमसे नहीं, वो सबसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने तुम्हारे शादी के सारे अरेंजमेंट चेंज कर दिए हैं, तुम जाके वेन्यू देखाओ। क्यों कर रही हैं आप ये सब? एक बार पहले भी कर चुकी हैं ना, कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया है, मशवरा नहीं मांगा। मामा आपने ये मशहूर करवा दिया कि मुझ पे जादू करवाया गया। हाँ ठीक है, माना कि मोहब्बत एक आसेब की तरह होती है, हालांकि आपको तो कोई तजर्बा नहीं है मोहब्बत का, फिर भी तबसरा बिल्कुल सही किया। अगर मैंने ये मशहूर किया है तो मुझे इसका तोड़ करना भी आता है। मम्मा एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप मुझे काशान का ही रहने दें। खामोश, इस घर में उस लड़के का नाम अब मत लेना, उसकी वजह से हम पूरे शहर में बदनाम हो गए हैं। आप उसे क्यों इल्जाम दे रही हैं? कसूर तो आपकी बेटी का भी है। बरगलाने वाला तो वही है ना। उसका तो एहसान है मुझ पे, मोहब्बत करना सिखाई है उसने मुझे, वरना जिंदगी तो यूं ही गुजर जाती। अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो रखना लेता तुम्हें। वो जानता था कि इस तरह तुम्हें अपने पास रखने में उसे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उसने तुम्हें वापस भेज दिया। मामा उसे तो कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मत समझाओ, मैं इस तरह के फुटपाथियों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। नहीं मामा, वो तो सिर्फ आपकी बेटी से मोहब्बत करता है। बचपना छोड़ो, अपनी शादी का सोचो। आज शाम को? आज शाम को तो मैं काशान से मिलने जा रही हूँ। What? क्या कह रही हो तुम? जिंदगी जिसके साथ गुजारनी है तो प्लान भी उसी के साथ बनाऊंगी। मनार, मेरी नरमी को मेरी कमजोरी मत समझो। काशान से तुम्हारी मोहब्बत की मैं ईंट से ईंट बचा दूंगी, मगर तुम्हारी शादी काशान से नहीं होने दूंगी, समझी तुम? तुम मेरी मोहब्बत पर यकीन करो ना करो, कि मैं तो तुम्हारी शुक्र गुजार हूं। तुमने मुझे मोहब्बत के लज्जत से आशना किया, मैं तो इस एहसास नरमी से वाकिफ ही नहीं थी। अच्छा है, इसी एहसास के सारे एक बार फिर मोहब्बत करो, फिर उसे भी छोड़ देना बीच रास्ते में कहीं। सरे बाजार किसी की मोहब्बत का तमाशा बनाना, फिर उस पर अपनी शाहकार कहानी लिखना। मोहब्बत एक बार होती है और वो मैं कर चुकी हूँ। तुम्हें याद है तुमने मुझे नीलखंड की मिसाल दी थी, लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं था कि बिछड़ने के बाद उसकी मादा भी सारी उम्र अकेली रहती है। अगर तुम मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं करते हो तो मेरी मोहब्बत की बदबख्ती हुई कि वो ना मनवा सकी खुद को। चली जाओ यहां से। काशान, मोहब्बत मेरा हक है, इस हक से मैं पीछे नहीं हटने वाली, वरना मैं वरना क्या? हाँ
लिपि जी खाना खा ले, ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं खाना मुझे, ले जाओ। अच्छा जाओ तुम। मनार क्या हो गया तुम्हें? कितनी फिक्र है मुझे तुम्हारी। क्यों क्यों फिक्र है आपको मेरी? इसलिए कि मैं चाहती हूँ शादी से पहले तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, थोड़े से दिन तो बाकी रह गए हैं। अच्छा आई सी, तो अब इस डेडलाइन में कुछ ही दिन बाकी हैं। बेहतर होगा तुम इस ख्याल को दिल से निकाल दो कि तुम्हारी शादी काशान से होगी। आपको मेरी सेहत की इसलिए फिक्र है ना, ताकि मैं शादी वाले दिन हसीन नजर आऊं। एक बात बताऊं आपको, अगर मैं बदशक्ल हो जाऊं, सूख के हड्डियों का ढांचा हो जाऊं, तब भी शारिफ मुझसे शादी करेगा। क्यों? क्योंकि उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे सिर्फ मेरी दौलत में दिलचस्पी है। लेकिन मम्मा मैं भी शादी सिर्फ उससे करूंगी जो मुझसे मोहब्बत करता हो। तुम खाना खाओ या नहीं खाओ, मगर ये ख्याल दिल से निकाल देना कि मैं तुम्हारी शादी काशान से होने दूंगी, समझी तुम? मनार की वकालत करने आई। हाँ मैं जानता था मैं यहां से सीधा आपके पास आएगी। उसने तेरे खातिर सब कुछ छोड़ दिया है काशा, सब को ठुकरा दिया। क्या अब भी तुझे उसकी मोहब्बत पे यकीन नहीं है? मुझे यकीन है, मुझे उसकी मोहब्बत पर खुद से भी ज्यादा यकीन है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं डरता हूं अगर किसी वजह से वो मुझे ना मिली तो वो मर जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तू जानता है कि वो तेरे बगैर नहीं रह सकती तो थाम दे उसका हाथ। मैं तेरे साथ बेटा। खारे पानी जैसा प्यार, खारे पानी जैसा प्यार। आंटी ये काफी हैवी है, कलर स्कीम भी कोई मुनासिब नहीं है, क्या कहती हैं आप? और दिखाओ इसके बारे में क्या है? ये अच्छा है, देखो इसमें दूल्हा दुल्हन भी अच्छे लग रहे हैं और कलर स्कीम भी बहुत अच्छी है। ठीक है फिर मैं इसको शॉर्टलिस्ट कर देता हूँ। बेगम साहिबा ये खातून आपसे मिलने आई हैं। अच्छा तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। जी मैं काशान की माँ हूँ। तुम अपने बेटे के करतूतों की माफी मांगने आई हो? आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ अपने बेटे के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ये सोच के मेरी दहलीज में कदम रखा? घर की दहलीज पार करने के लिए किस हिम्मत की जरूरत होती है ये आप अपनी बेटी से पूछिए। तुम अपनी जबान को लगाम दो। आप मुझे तो बोलने से रोक सकती हैं, लेकिन मनार और काशान को प्यार करने से नहीं रोक सकती। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ और मेरी बेटी के साथ अपने बेटे का नाम मत लेना। इंसान को बात करने से पहले सोच लेना चाहिए कि वो किससे बात कर रहा है। आपको अपनी औकात का तो अंदाजा है, लेकिन शायद हमारी हैसियत का अंदाजा नहीं। आपकी गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि आप शारिब हैं, है ना? तो फिर तुम ये भी जानती होगी कि मनार की शादी शारिब से हो रही है। आंटी
आंटी आप, तुम चुप हो जाओ। शारिब माइंड योर लैंग्वेज, ये मत भूलो कि मनार अभी तुम्हारी बीवी नहीं है। आंटी प्लीज आप काशान से कहिए कि वो मुझे ले जाए यहां से। मैं तुम्हें ही तो मांगने आई हूं बेटा, तुम्हें ही लेने आई हूं। देखिए खातून, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, मुझे भी बात करनी होगी। बेहतर यही होगा कि आप इस वक्त यहां से चली जाएं। जी भाई चली जाती हूं, लेकिन आप लोग एक बात गौर से सुन लीजिए। ये बच्ची इस घर में मेरी और मेरे काशान की अमानत है और इसे तो मैं लेकर ही जाऊंगी। सुन लिया आप लोगों ने? अंकल आंटी नजर नहीं आ रहे, कहीं गए हैं? हाँ वो आपकी शादी की खरीदारी के लिए गए, आपकी वालदा भी साथ है। ये सिर्फ मेरी शादी? आपकी शादी, इसलिए कि मेरी शादी तो काशान से होगी। नाम मत लेना उस लफंगे मोटर मैकेनिक का मेरे साथ। अगर वो लफंगा होता तो मुझे कभी वापस ना आने देता, लेकिन उसने मुझसे वादा किया है कि मुझे इज्जत के साथ यहाँ से ब्याह कर लेके जाएगा। तुमने उसे बढ़ावा दिया जो उसकी हिम्मत हुई यहाँ रिश्ता लेकर आने की, लेकिन बारात लेकर आने का ख्वाब उसकी माँ का कभी पूरा नहीं होगा। तमीज से शारिब माँ जी हैं वो। चलो भाई बिलाखिर वो दिन भी आ गया कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। बाबा जानी आते जाते रहेगा, ऐसा नहीं आप वहाँ जाके अपनी बेटी को भूल जाएं। ऐसा हो सकता है, हैं? कि मैं तुझे भूल जाऊं? अब मैं नहीं आऊंगा, अब तुम लोग आना। ये लेके आएगा जवाब तुझे, तू भी आना है। उस्ताद वो मेरा दूसरा शहर, बड़ी यादें हैं मेरी उस यार के साथ, मैं जरूर आऊंगा जल्दी। हाँ तुझे तेरा ये पहला शहर मुबारक, हम तो यहाँ जम नहीं सके। बार जितनी रोजी लिखी थी खाली, चलते हैं। मम्मी आप जल्दी आइएगा। हाँ बेटा बहुत जल्द आएंगे, इंशाल्लाह आप काशान की दुल्हन के साथ आएंगे। चल भाई असल सामान होगा। बेगम साहिबा कहाँ हैं? जी उधर। अब क्या हो गया तुम्हें, जब देखो तो लेटी हुई नजर आती हो। चलो उठो उठो। तुम देखना अंजला, एक दिन काशान मुझे अपनी दुल्हन बना के यहां से ले जाएगा, और जिस दिन वो कहेगा ना उसी दिन दुल्हन बनूंगी। उससे पहले दुनिया की कोई भी ताकत मुझे दुल्हन नहीं बना सकती। वो ऐसा नहीं कर सकेगा मनार, उसमें शारिब और आंटी जैसे ताकतवर लोगों से टकराने की ताकत नहीं है। पागल हो तुम, मोहब्बत की ताकत से वाकिफ ही नहीं हो तुम। देखो मुझे आंटी और शारिब के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, तुम प्लीज अपनी जिद छोड़ो और काशान को बचा लो। कुछ नहीं होगा काशान को, जिंदा हूं मैं अभी।
मुझे पता है तुम लोग सब ना इस वक्त मसलहत का शिकार हो, तुम भी पापा भी। कोई बात नहीं, मैं अपनी मोहब्बत की जंग अकेले लड़ लूंगी। यार मैंने तो आंटी को समझाने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारा फैमिली इशू है, तो अब तुम ही बताओ मैं इसमें कैसे बोल सकती हूँ। करने दो इन्हें, जो करना है करने दो इन्हें। मैं भी अपनी मोहब्बत की जंग इन्हें जीत के दिखाऊंगी। बहरहाल जो भी हो मनार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ख्याल रखना अपना। तू भी ख्याल रखना और कोशिश करना कि जल्दी आए, हैं? तेरे बगैर रहा नहीं जाता। काशान भाई, तबीयत कैसी है आपकी? हाँ यार, कल से दर्द है काफी। खैर हो जाएगी ठीक। चल अपना ख्याल रख। किसी के कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है। अगर हमारी शादी आगे बढ़ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई गैर हो गया हूं और कमरा नॉक करके आऊं। तुम्हारी और मेरी शादी की तारीख और बातचीत उसी दिन खत्म हो चुकी थी। शादी तो मैं अभी और इसी वक्त कर सकता हूं, लेकिन ये डिले सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो जाए। मुझे हैरत है शारिब, तुम्हारी गैरत का पैमाना ये है? एक लड़की भरी महफिल में तुम्हें ठुकरा देती है और तुम्हें बुरा ही नहीं लगा। तुम बुरी हो ही नहीं तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? बुरा तो वो है जिसने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की। ओ प्लीज रहने दो, इस वक्त क्यों आए हो यहाँ पे? तुम्हारे उस मोटर मैकेनिक के उस्ताद उस्ताद रोशन को किसी ने कत्ल कर दिया। जा रही हो? मामा मैं काशान के घर जा रही हूँ। किस खुशी में जा रही हो? मामा उसके उस्ताद रोशन का कत्ल हो गया, मैं उनकी ताज़ियत करने जा रही हूँ। किसकी परमिशन से जा रही हो तुम? जब परमिशन मिलनी ही नहीं है तो फिर पूछने का क्या फायदा है? वापस जाओ अपने रूम में। मामा मेरा इस वक्त जाना बहुत जरूरी है, पता नहीं काशान इस वक्त किस हाल में होगा। तुम किस हैसियत से मिलने जा रही हो उससे? तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता? रिश्ता तो मेरा शारिब से भी कोई नहीं है, लेकिन आपको उसका मुझसे बेतकल्लुफ होना बिल्कुल बुरा नहीं लगता। शारिब तुम्हारा कजन भी है और मंगेतर है तुम्हारा। जब मैंने उसे माना ही नहीं है तो मंगेतर कैसे हो सकता है? मनार, मनार, क्या हुआ? तेरी तबीयत खराब है क्या? हाँ यार, आज थोड़ी तबीयत ऐसी है। आज 5 दिन हो गए उस्ताद को इस दुनिया से रुखसत हुए, पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस भी पता नहीं क्या कर रही। पता नहीं कौन था यार, क्या दुश्मनी थी? मारने तो वो मुझे आए थे। काशान? कौन है काशान?
जी फरमाइए, मैं हूँ काशान। बहुत सुना है आपके बारे में और काम भी देखा है। एक्चुअली मैं 2-3 दिन पहले यहाँ से गुजर रहा था तो वर्कशॉप बंद थी। पता चला कि उस्ताद का आपके किसी ने मर्डर कर दिया। अफसोस हुआ। जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? खिदमत आपने मेरी नहीं, अपने फन की करनी है। जी जी, क्यों नहीं, आप बताइए। मेरे पास एक गाड़ी है, पुरानी है मगर इतनी भी पुरानी नहीं। उसको मैं चाहता हूँ कि आप एक एंटीक कार बना दें। ठीक है, आप गाड़ी ले आए, हो जाएगा। ये गाड़ी की चाबी है, गाड़ी बाहर खड़ी है। 2-3 दिन में आके गाड़ी का कलर और डिजाइन के बारे में डिस्कस करता हूँ। चलता हूँ। जमील, गाड़ी की चाबियां पकड़। मुझे दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। चल ठीक है। तुम यहाँ यूं अकेले क्यों बैठे हो? और मुझे जमील ने बताया कि तुम्हारी तबीयत भी नहीं ठीक। बताता हूँ, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम सारी पाबंदियां तोड़कर कैसे आ गई। तुमने मुझे उस्ताद रोशन की इत्तला क्यों नहीं दी? कुछ पता ही नहीं चला, सब कुछ अचानक हो गया। और वैसे भी तुम्हें बता देता तो तुम ज्यादा परेशान हो जाती। कैसे हुआ ये सब? कुछ मालूम नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कातिल ने मुझ पर गोली चलाई थी लेकिन अचानक उस्ताद रोशन सामने आ गए। वो तुम्हें मारना चाहते थे? पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। शायद उस्ताद को मारना चाहते हों, लेकिन उस्ताद की तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। बहुत अफसोस हुआ मुझे, तुम्हारी मामा तो बहुत अपसेट होंगी। काफी अफसरदा है वो, परेशान। पुलिस क्या कहती है अब? कुछ नहीं, पुलिस ने कहा अगर किसी पर शक है तो बताओ। मैं महज शक की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार नहीं करवा सकता। अगर वो कातिल ना हुआ तो गलत बात है। हाँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अरे मैं ठीक हूँ, बस किडनी में थोड़ा पेन था, अब ठीक हूँ। उस दिन जो भी कुछ माइयों में हुआ वो दोबारा भी हो सकता है। वो लड़का इतनी आसानी से बैठने वाला नहीं है। तो फिर हम क्या करें? मेरा तो ख्याल है कि शादी हम दुबई मुंतकिल कर देते हैं। नहीं नहीं, ये कैसे मुमकिन है? इतने सारे लोगों को दुबई कैसे लेके जाएंगे? अंकल आप क्यों फिक्र करते हैं, सब हो जाएगा। शारिफ तुम मेरी बात को समझो। और मसूद भाई, तुमसे ये कौन कह रहा है कि पूरे खानदान को वहां लेकर जाओ? चंद जो करीबी रिश्तेदार हैं बस उनको ले जाते हैं। तुम यहां क्या करने आई हो? यार इतने दिन हो गए, अब तक आपने गाड़ी पे काम शुरू नहीं किया, ऐसे ही खड़ी है। जनाब मैं माफी चाहता हूँ, काशान की तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपना एडवांस वापस ले सकता। नहीं नहीं भाई, मेरा मतलब ये नहीं था, मुझे काम काशान से ही करवाना है। आप काम करवाएं, ठीक है, चलता हूँ। मैं आप लोगों से तारीख लेने आई हूँ कि कब काशान की बारात लेकर आऊं। उस दिन के आने से पहले मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का वो हशर करूंगी कि लोगों के दिल कांप जाएंगे। तुम मेरी बात को मजाक समझ रही हो, इसलिए तुम्हें कोई खौफ नहीं है। अपने हिस्से का डर मैं काट चुकी हूं। इस वक्त आप लोगों के सामने एक मां खड़ी है जो आप लोगों से अपने बेटे की मोहब्बत मांगने तो आई है, लेकिन भाई साहब इन्हें समझाइए प्लीज कि उन दोनों बच्चों की खुशियों को बर्बाद ना करें। अभी तो आप बहुत बहादुर बनकर शादी की तारीख लेने आई थी, अब ये भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाने क्यों लगी?
मैं और काशान चाहते हैं कि मनार को इस घर से इज्जत के साथ ब्याह कर लेकर जाए। अच्छा हुआ तुमने अपने बेटे के अंजाम की तारीख खुद ही मुकर्रर कर ली। मैं समझी थी कि शायद आप लोग मेरी बात समझ जाएंगे, लेकिन दौलत के नशे ने तो आप लोगों को सोचने और समझने की सलाहियत से ही महरूम कर दिया। अफसोस। इधरा, तुम में दोनों में काशान कौन है? जी मैं हूँ काशान। मेरा ख्याल है आप उस्ताद रोशन के कत्ल के सिलसिले में आए। वो केस जिनके पास है वो ही आएंगे। तुम ये बताओ ये गाड़ी किसकी है? ये मेरे ग्राहक की है, 4 दिन पहले आई थी। बिल्कुल सर, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये गाड़ी 4 दिन पहले ही चोरी हुई है। खारे पानी जैसा प्यार।